महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जल्द होगी घोषणा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों पर बन गई है सहमति। बिहार में बाढ़ से मचा है हाहाकार, चारों ओर पानी ही पानी। 16 जिलों में इस वक्त बाढ़ की संकट से जूझ रहे हैं लाखों लोग। बिहार में नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही रिहायशी इलाकों से कम होने लगा है पानी। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स भी है तैनात। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला आया सामने, ड्रेसिंग कराने आए थे हमलावर। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या के बाद बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा अपराध की राजधानी बन गई है दिल्ली। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, नीला खेड़ी से आप उम्मीदवार कांग्रेस में हुए शामिल। 5,600 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड रह चुका है कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन, कोकीन खेप की बरामदगी केस में हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली में गैंगस्टर अरमान की पुलिस से मुठभेड़, नारायणा कार शोरूम फायरिंग में आया था नाम। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी नहीं बन पाया है कोई फैसला, समाजवादी पार्टी नेता अब्बू आसिम आजमी ने किया बड़ा दावा, कहा महाविकास अघाड़ी मजबूती से लड़ेगी विधानसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आसिम आजमी का बयान, कहा एमबीए में सीट कम मिले या ज्यादा उस पर नहीं होना चाहिए मतभेद, देश बड़ा है पार्टी नहीं।